Some advertis, all good sugar and gold. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Garantra Shrimad Bhagavatam. स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। आया नहीं ऊपर, आया नहीं इसको, श्लोक नहीं आया। आसन आसन दो, आसन दो है। सो ये श्लोक इस प्रकार से, सा वासना आत्मा विश्व परपक्ता, गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा, बिभ्रत पृथक नाम विरूप भेदम, अंतर बहिष्ट चापरस्तनोति, सा वासनात्मा विषयोरुपतो, गुण प्रवाहो विकृता षोडशात्मा। विभ्र पृथक नाम अभिरूप भेदम, अंतर बहिष्टु च पुरस्तनोति, सा वासनात्मा विषयोरुपतो, गुण प्रवाहो विकृता षोडशात्मा, विव्रत पृथक नाम अभिरूप भेदम, अंतर बहिष्टुं च पुनस्तनोति। Thank you.
마타이. सिद्धार्थ सा वह वासना अनेक कामनाओं से युक्त आत्मा मन विषय उपरक्ता भौतिक सुख में आसक्त इंद्रिय तृप्ति गुण प्रवाह सत्व रजो तथा तमोगुण की शक्ति से प्रेरित विकृता काम आदि से विरूपित षोडश आत्मा प्रमुख 16 तत्वों 5 स्थूल तत्व तथा 10 ज्ञानेंद्रियों एवं मन का प्रधान तत्व विव्रता घूमते हुए पृथक नाम भी विभिन्न नामों से रूप भेदम विभिन्न रूप धारण करते हुए अंता बहिष्टम प्रथम कोटि या निम्न कोटि का गुण उत्तमता या अधमता चा तथा पुरे विभिन्न शारीरिक रूपों में तनोति प्रकट करता है। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभाव द्वारा शिल प्रभाव की शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं मनुष्यों पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक ध्येय अंगीकार करता है। तात्पर्य 84 लाख यूनियों में ध्यानतर का कारण विशेष भौतिक गुणों से मन का दूषित होना है। मन के कारण ही आत्मा को शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते हैं। इस संसार में बने रहना भौतिक प्रकृति के तरंगों के समान है। इस संबंध में शिला भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है, मायार वश्य याचे बिछे खाचे हबडुबू भाई। मेरे भाई, आत्मा माया के अधीन है और तुम उनकी तरंगों में बह रहे हो। भगवद्गीता 3:27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृति किरमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशा अहंकार विमण आत्मा कर्तारम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। भौतिक अस्तित्व संसार का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों को अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कलांतर तक विभिन्न देह धारण करता रहता है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे देह संसार दुख। चतन चरितामृत मध्य लीला 20:117। जीवात्मा द्वारा श्री कृष्ण के विस्मरण से ही वह प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। ओम ज्ञान तिमरदस्य ज्ञानंजल शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाशादेवताराणि नमस्ते। तो ये जो प्रसंग चल रहा है आप सब लोग इससे वैसे अवगत हैं कि जो भरत महाराज को राजा रघुगण ने पालकी में सेवा में लगाया तो भरत महाराज जो है पता ही है आपको कि भरत महाराज चींटियों को बचाकर चल रहे थे तो जिससे राजा रघुगण को बड़ा तकलीफ हुई और फिर राजा रघुगण ने उनको बहुत ही कठोर वचन कहे। तो पहली बार भरत महाराज जो है उन्होंने कुछ बोला राजा रघुगण को कि कुछ उन्होंने बोला मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। तो उस वजह से उन्होंने फिर बोला कि किसकी चिकित्सा कर दोगे मैं तो देह में हूँ ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार से उनको ज्ञान दिया और फिर राजा रघुगण जो है समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये कोई भगवान के प्रचारक हैं या कुछ स्वयं भगवान हैं क्या है। तो फिर उन्होंने जो राजा रघुगण जड़ भरत महाराज ने जो बताया तो कुछ चीज़ें हैं राजा रघुगण को समझ नहीं आई हैं तो उन्होंने दोबारा प्रश्न किया तो फिर राजा जो है जड़ भरत ने उनको पुनः ज्ञान दिया। उसमें से ये जो है 25वां श्लोक है ये जो 5वां श्लोक है इसका प्रश्न जो है पिछले अध्याय के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में राजा रघुगण पूछते हैं कि ना विक्रिया विश्व सुहृत सख्यम यहाँ बोलते हैं सामेन बीत भी मते वापी। जिन्होंने यहाँ पे पूछा कि आपका मन तो है संतुलित है मैं जानता हूँ सामेन मतलब सम है आपका मन जो है संतुलित है और मैं जानता हूँ आपका मन कृष्ण में रमा हुआ है इसलिए आप मेरे वचनों से क्षुब्ध नहीं हुए। तो फिर कहते हैं बीता अभी मति कि आपका जो है आप के शरीर में अहम मति बीत गई है बीता अभी मति आपके शरीर में जो अहम मति है वो बीत गई है। तो फिर जो है कहना चाहते हैं राजा रघुगण कि मैं कैसे अपने मन को लगाऊं मैं कैसे अपने मन को रियलाइज कराऊं कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। उसके जो है उत्तर में ही ये 5वां श्लोक बताया राजा रघुगण जो है जड़ भरत महाराज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उन्होंने पहले 4थे श्लोक में ये मन के बारे में बताया कि इस सब का कारण जो है वास्तव में मन है। यदि मन संसार के लिए लोलुप रहता है तो भक्ति में उत्साह नहीं रहता है। तो मन ही जो है ये सारा कारण है हमें संसार में रखने का है। संसार का मतलब क्या है जीव के सुख दुख हर्ष अमर्ष की भावना उसको ही संसार कहा जाता है। तो जीव जो है इसी में ही रमण कर रहा है इसी में ही आनंद खोज रहा है हाँ। लेकिन उसे प्राप्त क्या हो रहा है संसार में शोक मोह राग द्वेष
यही प्राप्त होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जीव की कोई क्षति नहीं हो रही है, उसे कोई दुख नहीं मिल रहा है, या उसे कोई कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, वो कोई सुख सुखी नहीं हो रहा है, परंतु ये सुख दुख जो है की जो अनुभूति है वो वास्तव में मिथ्या है। और फिर जो है चौथे श्लोक में थोड़ा सा हम लोग उसको ले लेते हैं कि चौथे श्लोक में फिर यहाँ से मन के बारे में बता रहे हैं कि यावन मनो रजसा पुरुषस्य, पुरुषस्य मतलब जो जीवात्मा है, तो जब तक उसका मन है रजसा सत्वेन व तमसा हाँ व अनुरुद्धम, तो इसी में जो है अनुरुद्ध अनिरुद्ध इसी में जो है वो रंजित रहता है, जब तक उसका मन किसे में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है। तो मन ही संसार का जब बंधन बन जाता है और मन और इसको हर्ष विषाद आदि में डालता रहता है, यही इसकी शरीर की प्राप्ति, यही इसको अलग अलग शरीर की प्राप्ति कराता है। तो ये मन ही जो है मूल कारण है। तो जीवात्मा का जब तक मन इस रजोगुण तमोगुण सतोगुण में से प्रभावित रहता है तब तक वो कह रहे हैं निरंकुश चेतो बहिराग अकुदीर आपनोति निरंकुश कुशलम चेत्रम वाह। जो चेतो भी मतलब ला रहे हैं ज्ञानेन्द्रियों से, आकुति भी मतलब कर्मेंद्रियों से, हाँ, और कुशलम बता रहे हैं कि हाँ जो पुण्य कर्म करता है, या फिर इतरम मतलब पाप कर्म करता है, आपनोति मतलब करता है, हाँ। तो जब तक सतोगुण रजोगुण तमोगुण से वो विद्ध रहता है तब तक क्या होता है, है? वो पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म करता है ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा, ये कहना चाहते हैं। तो मन जो है वास्तव में ये मैनेजर की तरह बैठा रहता है और कार्य किससे कराता है, इंद्रियों से कराता है, है? लेकिन मूल कारण यही है। तो जब मन अपने को ठीक मानता है कि मैं ही सब कुछ सही हूँ, मैं ही सही रास्ता चल रहा हूँ और है और मैं ही ज्ञान के परायण हूँ, मुझे पूर्ण ज्ञान है, तो ये सतोगुण में ऐसा रहता है तो ऐसा समझता है। पर रजोगुण में रहता है तो उसमें विषयों की अपार लालसा रहती हैं, और तमोगुण में रहता है तो लोभ क्रोध हिंसा काम क्रोध आदि है ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है फिर बता रहे निरंकुश, तो ये जिस हाथी को अंकुश नहीं लगाता महाबत तो वो क्या हो जाता है, फिर वो मनमानी करता है, अपने मन की करता है, तो ये निरंकुश है। एक बार राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुनना था तो बता रहे थे कि जैसे कार हमें दिया है तो कार है तो हमें क्या है, कार को रास्ता वस्ता देख के चलना पड़ेगा ना कि कहाँ पर क्या समस्या है, रास्ता देख के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमें बस एक ही स्पीड से चलना है कुछ भी हो जाए, तो वही है हमारा निरंकुश है, अंकुश नहीं लगा रहे, जहाँ हमें इंद्रियां ले जा रही हैं हम चलते जा रहे हैं। तो ये जो है मन का कार्य होता है, आत्मा को विभिन्न देहों की सृष्टि भी ये मन ही करता है, और इंद्रियों को आदेश देता है कि चलो भाई चलो सिनेमा चलो, हाँ चलो है, कान को बताता है हाँ चलो ये कितना सॉन्ग अच्छा है, तो सॉन्ग चलता होगा वो साथ में वो भी गाने लग जाएगा। तो ऐसे ही सारे विषयों स्पर्श इंद्रियां होती हैं, तो स्पर्श इंद्रियां में सर्दी गर्मी मान अपमान, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम ये सब। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये चौथे श्लोक में बता रहे हैं। फिर पाँचवें श्लोक में आज का जो श्लोक है तो वो हम लोग यहाँ से लेते हैं। सा वासना आत्मा है, तो कह रहे हैं कि तो वह वासना मतलब होता है प्रगाढ़ इच्छा से युक्त आत्मा मतलब मन। तो जो प्रगाढ़ इच्छाओं से युक्त मन है, वासनाओं से भरा हुआ है, तो मन में विषयों की इच्छा तो यह भरी रहती है। मन में
30,000 से ज़्यादा एक दिन में विचार आते हैं, 30,000 30,000 से ज़्यादा एक दिन में विचार आते हैं। इतने विचारों में डूबा रहता है, बहुत इच्छाएं भरी पड़ी हैं इसमें। तो ये जो है, यही जो है कर्म करने का मूल कारण यही है, मन ही है। तो जब तक गाढ़ लालसा नहीं होगी तब तक कर्म नहीं करेगा। गाढ़ लालसा रहती है भोगने की, विषयों को भोगने की। फिर बता रहे हैं विषय उपरोक्तों हैं। तो विषयों में उपरोक्त मतलब यहाँ पर शिला प्रभाव बता रहे हैं भौतिक सुख में आसक्त इंद्रिय तृप्ति, यानी कि उपरोक्त मतलब रचा पचा है, रंगा हुआ है, उसमें रंजित हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। तो विषयों में पूरा रंजित हो जाता है, रंग जाता है, जो सुनता है उसी में जो है वो रंग जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहा है तो फिर सोचता है कि अरे मुझे भी ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी होना चाहिए, मुझे ऐसे होना चाहिए, अरे देखो क्या ज़रूरत है उसको, वो रन ले लिया उसने, सारा मजा ख़राब कर दिया, पूरा आउट हो गया, देखो वो पूरा रंगाता रहता है। जैसे कि कई बार फिल्म भी दो लोग देखने जाते हैं तो फिल्म देख के आते हैं तो फिर वैसे ही बॉक्सर बन जाते हैं, वैसे ही करने लग जाते हैं। आपने देखो कई बार कोई बच्चे रास्ते में चलते होते हैं तो बॉलिंग करते रहते हैं, यहाँ से करेंगे प्लेसमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो ऐसे पूरा मन जो है उनका रंजित हो जाता है। तो हम सबका मन ऐसे 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 आकर्षित कर लेता है, ऐसा हमें झिझोड़ देता है, और जैसे हम समझते हैं हम भी वही हो गए हैं। किसी फिल्मी कलाकार को देख के आया तो हम सोचते हैं हम भी वैसे ही हुए हैं। तो इस तरीके से मन उसमें बांध देता है विषयों में। इसलिए कह रहे हैं गुण प्रवाह, तो प्रकृति के जो गुण हैं उसमें प्रवाहित हो जाता है, चलायमान हो जाता है, बह जाता है उसमें, प्रवाहित हो जाना। या अथवा प्रवाह का एक अर्थ भागना भी होता है। प्रा मतलब प्रकृष्ट रूपेण, वा मतलब उसमें भाग लेता है। तो प्रकृष्ट रूपेण उसमें क्या है, रंजित हो जाता है, भागता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम बैठ गए तो मन भी बैठ गया है, मन नहीं बैठता, मन फिर भी चलायमान रहता है। इसलिए प्रवाह है, हमेशा बहता रहता है, प्रभावित रहता है। यहाँ तक कि हम लोग चैंटिंग भी करते हैं भगवान के आगे, विग्रहों को देखते हुए चैंटिंग करते हैं, फिर भी मन वहाँ रुकता नहीं है, तो प्रभावित होता रहता है। और किसमें प्रभावित होता है, प्राकृत गुणों में सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, प्राकृत रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी में ही जो है वो रंजित रहता है। यहाँ तक कि कई लोग जो है आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं आँख भी बंद कर लिया उसने, इंद्रियों के जो है उन्होंने बंद कर दिया, फिर भी मन चलाए मान रहा है। विष्णु में ध्यान लगा रहे हैं लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है, विषयों में ध्यान जा रहा है। जैसे मैं पहले राधा स्वामी संस्था में था तो वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है वो ध्यान लगाते थे। अब तो ये तो हम विष्णु में ध्यान लगा रहे हैं, कोई विषय है उसमें ध्यान लगा रहे हैं, फिर भी हमारा मन भाग जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई विषय नहीं है। अब नाकार में क्या, नाकार है क्या, हवा में ध्यान लगाएंगे, किस में ध्यान लगाएंगे, ध्यान किस में लगाना है। तो ज़्यादातर मैं वहाँ पे देखा, मैं तो नया नया आया था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि सब लोग ध्यान लगा रहे थे। तो मैं सोचता था यार मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, ये लोग इतना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं यार, क्या मेरे तो कोई भक्ति नहीं है मेरे अंदर, इतने पाप हैं ये, मैं अपने आप को कोसता रहता था। तो एक बार जो है मैंने नज़दीक जाके देखा तो मैक्सिमम लोग सो रहे थे, मैं हैरान हो गया, देखा यार ये तो आराम से सो रहे हैं ये लोग, क्योंकि विषय ही नहीं है तो उनका क्या हालत होगी। अरे जिनका विषय रहता हो उनकी हालत रहती है, मन भागता रहता है, तो उनकी क्या हालत होगी। है
तो यहाँ तक कि हम लोग मंदिर में रह रहे हैं फिर भी कई बार घर का चिंता चला जाता है, परिवार का क्या होगा, कैसे होगा, क्या कैसे गुजारा हो रहा होगा, क्या समय समय में हम लोग फोन मिलाते रहते हैं, आप ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, कोरोना से ग्रस्त तो नहीं हो गए आप? तो ऐसा मन जो है क्या है, रमाता रहता है। हाँ, गुण प्रवाह, तो ये गुणों में प्रभावित होता है। प्रवाह का मतलब फोर्सफुली भागता है, बहुत फोर्सफुली भागता है। हाँ, और यहाँ तक कि किसी से परमिशन भी नहीं लेता है। ठीक है भाई, भगवान के सामने हम भाग रहे हैं तो भगवान से परमिशन ले ले, नहीं लेगा। गुरु से परमिशन है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्वतंत्र है। फिर कह रहे हैं विकृता, विकृता मतलब विविध प्रकार से उसका पर ट्रांसफर होता रहता है। अभी एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आ गया, फिर तीसरा विचार आ गया, अलग 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 कुछ भी है, हमने देखा, अरे वो जो सामने कबूतर बैठा हुआ है, कबूतर बैठा है, फिर कबूतर बारे में सोच रहे हैं कुछ है। फिर हमने देख लिया कि अरे कोई भक्त जा रहा है तो उसके बारे में सोचने लगा, तुरंत 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 इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है, ट्रांसफर, तुरंत ट्रांसफर होता है, इसलिए विकृता। किसी ने अपमान कर दिया तो उसी बारे में सोच रहे हैं, मेरा अपमान कर दिया, मेरे को आसन नहीं दिया, मेरे को कैसी साधारण भोजन दे दिया, सबको तो फीस खिलाया जा रहा है, ऐसे क्या है, वहाँ पे सबको बैठा के खिलाया जा रहा है, मेरे को ऐसे यहाँ कर दिया, ओ तीन बार उसी के बारे में सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। आरती जो है मुझे पहले नहीं दी, इतने मेरे सामने ये लड़के आए, मैं नए उनको दे रहा है आरती। सोचता रहता है और कई बार फिर कुछ ऐसा अपमान आ जाता है कि क्रोध में तमतमा जाता है, फिर क्रोध आ जाता है, उसको बोल देगा ले जाओ आरती, तुम्हें देखता नहीं है मुझे कितने दिन हो गए, एकदम क्रोध हो जाएगा। तो विकृति है, विकृत होता रहता है। कभी इसमें क्रोध आ गया, कभी काम आ जाता है, कभी किसी रूप को देख लिया तो कामनाएं जागृत हो गई, उसको भोगने की इच्छा करेगा। फिर कभी लोभ आ जाता है तो फिर माइनस प्लस में लगा रहेगा। ठीक है यार, सोचता रहेगा यार देखो वो पैसा ले गया, अभी तक पैसा नहीं दिया उसने, ऐसा बदमाश है, ये है, मुझे ब्याज देना है, कैसे दूंगा, उस ऐसे रम आता रहता है मन। फिर कभी मोह में आ जाता है, घर जाता है ऑफिस से तो मोह में आ जाता है, फिर देखता है अरे ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, तो विविध भ्रम में डालता रहता है, इसीलिए विकृता। समान नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। यहाँ किसी का मान करेगा, यहाँ किसी का अपमान करेगा, कभी किसी को प्रेम पत्र लिखेगा, कभी उससे लड़ाई हो जाएगी, ऐसे ही चलता रहता है। वही जो है कई बार ऐसा भी देखा मैंने, एक भक्त को प्रत्यक्ष देखा था, तो वो क्या कर रहे थे, ये भक्त उनकी तारीफ कर रहे थे, कहते अरे क्या तुम तो मेरी क्यों तारीफ कर रहे हो, मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ, ये वह बहुत बोल रहे थे। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने उनको देखा तो एक दूसरे भक्त से वो बहस हो गई उनकी, तो बोलते हैं जानते हो मैं कौन हूँ। वो ही कुछ दिन पहले बोला था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद कुछ दिनों बाद वही बोलने लगा जानते हो मैं कौन हूँ। तो ऐसे जो है ये नचाता रहता है, वासनात्मा देह को नचाता रहता है, वो बहुत प्रकार की चेष्टाएं जाती हैं। और ये चेष्टाएं क्यों करता है, क्योंकि विषय उपरोक्तों विषय में रंजित है। जैसे अभी हम लोग अभी प्रवचन कर रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, अभी अचानक सांप आ जाए तो क्या होगा, एकदम हमारी गतिविधियां सब चेंज हो जाएंगी है। तो एकदम ये है ये विकृत, और शरीर कांपने लगता है, तो इसलिए जो है ये विषय में हमेशा रंजित रहता है। क्यों रंजित रहता है, क्योंकि गुण प्रवाह गुणों की शक्ति से प्रेरित रहता है, गुणों की ओर तेजी से दौड़ता रहता है। क्यों दौड़ता है क्यों विकृत हो रहा है, तो फिर बता रहे हैं षोडश आत्मा, क्योंकि ये षोडश आत्मा है।
षोडश आत्मा का मतलब हुआ कि षोडश 16 हो गया आत्मा या मन हो गया। तो जो 10 इंद्रियां हैं, हैं दस इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 फिर जो पंच महाभूत हैं, यहाँ पर पंच 5 विषय हैं, तो 21 हो जाएंगे फिर। यहाँ पर षोडश आत्मा बताया ना, तो फिर 5 जो है पंच महाभूत हैं और ये 15 हो गए, और उसका जो है इनका राजा मालिक प्रभु जी वो है मन इनका साहब है साहब जी। तो ये जो है षोडश आत्मा है, 16 के दल में यही मालिक है। तो पूरे 15 का जो दल है उसमें दलदल मचा देता है पूरा और ये मालिक बना बैठा रहता है, मालिक है। तो ये प्रेरक है, ये प्रेरित करता है सबको 15 को। अब यहाँ पर अगर आत्मा का अर्थ परमात्मा अगर लगा दिया जाए तो परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा मालिक हैं। परमात्मा कहते हैं ना मता स्मृति ज्ञानम अपवनम चा, गीता में भगवान बोलते हैं कि मुझे से स्मृति होती है, मुझे से ज्ञान होता है, मुझे से विस्मृति होती है, है? तो इसी प्रकार इंद्रियों को यही ले जाता है, यही प्रेरित करता है, यही मालिक बना बैठा है। तो इस प्रकार गुण प्रवाह यानी कि गुणों में घूमता रहता है। और फिर कह रहे हैं विव्रत पृथक नाम भी, विव्रत। तो अब ये क्या करता है, यही अनेक प्रकार के रूप है, विव्रत पृथक नाम है, पृथक नाम लेता है रूप और नाम और रूप में विषयों में भागता रहता है। और आत्मा के लिए विव्रत मतलब घूमता रहता है, पृथक मतलब नाम में और रूप और भेद में। तो ये घूमता रहता है, विव्रत मतलब घूमता रहता है, अलग अलग नाम लेता है, अलग अलग रूप लेता है, ये जो है इस तरीके से घुमाता रहता है जीवात्मा को। फिर कह रहे हैं पुरस्तनोति मतलब विविध शरीरों को प्रकट करता है, विविध शरीरों को प्रकट करता है। अभी कई प्रकार के शरीर जो है धारण कराता है, यही शरीर द्वारा आत्मा को विविध विषयों में भटकाता रहता है। और फिर कह रहे हैं अंता बहिष्टम, अंता मतलब ऐसा है कि उच्च कोटि का शरीर प्राप्त कराता है, उत्तम कोटि उत्तम शरीर प्राप्त होता है। और बहिष्टम का आता है निम्न कोटि का शरीर, उच्च कोटि का मनुष्य शरीर हो गया, देवताओं का शरीर हो गया, और निम्न कोटि का शरीर यानी अधम शरीर होता है। अधम शरीर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हैं पशु पक्षी हो गए आदि, तो ऐसे इन शरीरों में भटकाता है। तो ये मन ही जो है मुख्य कारण है। अतः शास्त्र कहता है कि मनुष्य को मन का नहीं करना चाहिए मनोरंजन मन का आनंद नहीं लेना चाहिए, मन को आनंद नहीं देना चाहिए, जिसमें मन आनंदित हो है ऐसा उसको विषय नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर, कृष्ण रंजन, कृष्ण का आनंद देना चाहिए। गुरु करने का भी यही अर्थ होता है कि गुरु करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब मैं क्या करूँगा, गुरु के अनुसार चलूँगा, मन के अनुसार नहीं चलूँगा। अब तक मन के अनुसार बहुत चल गया और मैंने धोखा खाया, लेकिन अब मैं गुरु के अनुसार चलूँगा, इसलिए गुरु धारण करते हैं। और गुरु किसके अनुसार चलता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरु ही अगर मन के अनुसार चले तब क्या होगा, या शास्त्र के अनुसार चले, नहीं तो शास्त्र के ऊपर चल रहा है। जैसे मैं राधा स्वामी संस्था में था तो मैंने वहाँ पर लक्ष्य बताते हैं सचखंड में जाना, सचखंड जैसे हम लोग गोलोक बोलते हैं ना, गोलोक है, वैकुंठ है, स्वर्ग लोक है, जनलोक है, ऐसे उन लोगों का लोक है सचखंड।
सच सच हाँ सच खंड हाँ सच खंड है तो कहते हैं कि हाँ सचखंड एक्सप्रेस हाँ सचखंड एक्सप्रेस सही है। तो वो सचखंड अब मैंने ये मैंने कई बार मैं शास्त्र पहले भी पढ़ता था तो मैंने लेकिन मैंने देखा कि ये सचखंड तो कहीं मुझे मिला नहीं। मैं फिर एक बार मैंने वहाँ के किसी भक्त से पूछा कि ये महाराज जी कई बार बोलते हैं कि सचखंड सचखंड ये सचखंड कहाँ पर है किस शास्त्र में उल्लेख है। कह रहे तुम पागल हो गया। मैं बोला क्या मैंने क्या बोल दिया भाई। कह रहे शास्त्र में क्या था। अरे हमारे गुरु जी कुछ शास्त्र से थोड़ी बोलते हैं ये शास्त्र से ऊपर की बात है। हाँ तो ऐसा शास्त्र से ऊपर जा रहे हैं गुरु। हाँ तो ये है साधु गुरु शास्त्र वाक्य चित्त दे कर आएगा। तो साधु गुरु वो है जो तो शास्त्र के अनुसार चले अपने मन की चल रहे हैं या अपना कई चीज़ें बना के चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ शिष्य तो मन गुरु के अनुसार चल रहा है लेकिन गुरु अपने मन के अनुसार चल रहा है फिर वही समस्या आ जाएगी। तो शास्त्र मतलब भगवान की वाणी या भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा से गुरु चलेगा तो गुरु की इच्छा से शिष्य चलेगा तो अब सब कुछ ठीक होगा। नहीं तो अगर मन की इच्छा से चलता रहेगा तो क्या होगा अलग अलग शरीर प्राप्त होंगे अंतर बहिर अभिष्टम यम या स्मरण आम तजंत अंत कल अरुण तम तमे वेदी कौन थे सदा तब भाविता। तो जो है क्या करेगा वो अलग अलग शरीर प्राप्त करेगा फिर क्योंकि शुरू से ही मन को उसने ऐसी ट्रेनिंग दी है तो लास्ट में भी उसको वही सब याद आएगा। तो वैसा ही शरीर मिल जाएगा उसको निकृष्ट या उत्तम। तो आत्मा को इसलिए सुख दुख की अनुभूति भी यही कराता है और यहाँ तक कि ये बहुत कूटनीतिज्ञ भी है बहुत टेढ़ी चाल चलता है। क्यों चलता है ऐसा क्योंकि ये चाहता नहीं है मुक्त होना। अगर आप भक्त बन गए तो आप मुक्त हो जाओगे और मुक्त हो गए तो मतलब मन की चंचलता समाप्त। वो अपने मन की नहीं करेगा वो अपनी इच्छा नहीं करेगा है। तो वो इसलिए जो है क्या करता है वो विषयों में रमाता रहता है तो इसकी आदत है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के उसे बड़ा आनंद आता है ऐसा कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। जैसे कि वो मंथरा थी मंथरा वो कह कहीं से बोलती है कि मैं जो है पता करके आई हूँ कि ये सारा जो है चाल जो है कौशल्या की है कौशल्या ने क्या किया है कि तुम्हारे देखो बेटे को क्या भेज दिया बाहर भेज दिया ननिहाल भेज दिया और पीछे पीछे ही इसने सारा चक्कर चला दिया राजा को मना लिया कि मेरे बेटे को राज दे दो। कुछ भी पता करके नहीं आई थी कोई ना कुछ कौशल्या ने बोला था कुछ नहीं बोला था बस वो है कि उसको ऐसा स्वभाव है उसका कि तो ऐसा स्वभाव होता है कि नुकसान बचाते हैं और कह के ही जो है उसके कहने पे आ गए है। और उसने क्या करा पूरा अपना सत्यानाश कर दिया एक एक औरत के कहने पे सब पूरा राज तहस तहस नहस हो गया पूरा सत्यानाश हो गया पूरी उथल पुथल मच गई वहाँ पे राज्य में है। तो फिर बाद में जब वो आए भरत महाराज भरत ने पूछा कि इस सब का कारण क्या है कौन ये सारा खेल खेला तो मालूम पड़ा कि वो मंथरा ने खेल खेला। अरे मंथरा है कौन क्या एक दासी है औरत है चलो उसको पता करो ये कहाँ से आई है क्या है तो पता किया कि उसका किसी को पता नहीं था वो कहाँ से आई है कौन से गांव की है। वो कहके के पास आई थी सेवा के लिए उन्हें कहके ने उसको सेवा पे रख लिया बगैर कुछ जाने पूछे कोई आईडी प्रूफ नहीं था तो इस तरीके से जो है कभी भी कम कोई सेवक रखते हैं तो क्या करना चाहिए वो उसको उसका पता होना चाहिए पहले तो सब कुछ और फिर उसको अपने
अंडर में रखना चाहिए, ना कि सेवक आपको आदेश दे रहा है। मालिक तो हम है ना, वो उल्टा कर रहा है। तो वही मन है, मन क्या कर रहा है, हमें आदेश दे रहा है और हम उसके अनुसार चल रहे हैं। वो हमारा सेवक है, हम उसके सेवक बने बैठे हैं। राधा गोविंद महाराज, एक बुढ़िया की कथा सुनाते हैं बहुत बार महाराज, कई कई जो है लेक्चर में ये सुनाते हैं महाराज। एक वो झगड़ा लगाने वाली बुढ़िया थी, तो वो क्या करती थी कि उनने सारे गांव में झगड़ा लगाती थी, चढ़ाती थी। तो एक बार एक पति पत्नियों में बहुत प्रेम था, तो वो उनसे का कभी झगड़ा लगा नहीं पाई। तो एक बार पूरा विचार बना के आई थी कि अब इन दोनों में झगड़ा लगाना ही लगाना है। तो अलग अलग मिली उनसे, पहले पति के पास गई, पति के बोले कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुशील है, बहुत सेवा करने वाली है, बहुत पहले तारीफ की। देखिए जैसे ये कूटनीतिक लोग होते हैं ना, कूटनीतिक ये भी बहुत होशियार होते हैं, इनको भी कैसे नीति करना आती है इनको तो पहले बहुत तारीफ की उसकी पत्नी की, फिर बोली कि लेकिन इसमें एक समस्या है, पिछले जन्म में ना ये चुड़ैल थी पिछले जन्म में ये चुड़ैल थी, तो स्वभाव व्यक्ति का जाता नहीं है, मुझे लगता ना कभी ना कभी वे तुम्हें खाएगी। तो उसने बोला अरे क्या, पिछले जन्म में कुछ भी हो सकता है आदमी, इसमें क्या है, पिछले जन्म की बात बता रही हो ना, अभी तो नहीं है ना वो, अभी तो इतनी सुशील लड़की है ना, तुम ही तो खुद बता रही हो, तो जाओ यहाँ से तुम जाओ। तो मन में संशय बढ़ा के चली गई अब जो है जब पति ऑफिस चला गया तो पत्नी से आई, कहती बेटी तुम्हारा पति तो बहुत जो है अच्छा पति है, उसके अंदर ये गुण है, बहुत गुणों का वर्णन किया, लेकिन इसकी एक समस्या है, पहले के समय में इसका बहुत कड़ा स्वभाव रहा है, ये किसी ना किसी दिन तुम्हें जरूर मारेगा है? और एक समस्या ये है कि इसके शरीर में नमक बहुत है। भगवान किसी की सृष्टि ऐसी करते हैं कि उसमें नमक बहुत, शरीर में बड़ा नमक होता है, तो तुम्हारे पति में बहुत नमक है। तो पत्नी को संशय हो गया, नमक है, नमक का क्या मतलब है? तो फिर जो है वो कह के चली गई। अब ये माता जी का दिमाग में घूमता रह गया, नमक है मेरे पति के शरीर में, नमक है। तो रात को बेचारे दोनों सोए, तो उसने सोचा कि चलो एक बार देख लेती हूँ क्या वास्तव में इसके शरीर में नमक है। तो उसने हाथ चाटना शुरू किया, जैसे ही उसने हाथ चाटना शुरू किया तो उसको बुढ़िया की बात याद आ गई कि किसी दिन मुझे खाएगी तो उसने तुरंत हाथ छोड़ा के भागा, कहना कि अरे राक्षसी है, मुझे खा जाएगी, शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे गांव वाला इकट्ठे हो गए, तो बोले कि उस बुढ़िया ने बिल्कुल सही बोला था, ये राक्षसी है, भगाओ यहाँ से। तो उन दोनों में झगड़ा लग गया। तो उसने बोला कि मैं हाँ, मुझे भी बुढ़िया सही बोला था कि किसी दिन ये मुझे मारेगा, अब देखो मुझे मार रहा है तो बेचारे दोनों में झगड़ा लग गया। तो ये ऐसे ही है मन जो है ये इस तरीके से जो है नुकसान पहुँचाने में लगा रहता है। हमारा है ये सेवक हमारा, लेकिन हम मालिक बना हुआ ढाबा है। तो ये बहिरंगा शक्ति द्वारा रचा गया है। और ये मन का स्थान कहाँ पर है, ये है क्या चीज़ है? तो ये मन हमारे बहुत जन्मों के जो दूषित कर्म हैं, जिसे दूषित संस्कार कहिए, दूषित संस्कारों की एक लेयर है जो कि आत्मा को कवर की हुई है, आत्मा के ऊपर ही कवर है ये, उसी को मन कहते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? अरोटा नामक नस में रहती है, अरोटा नामक है, अयोटा नामक रस में रहती है। और वहाँ पर जो है ये मन भी वहीं रहता है, वो आत्मा को कवर किया हुआ है, घेरे हुए हैं, जिसको हिंदी में परितति बोलते हैं। तो परितति नाम के हृदय में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और नाड़ियों में से एक नाड़ी है परितति, उस परितति में आत्मा रहती है, आत्मा को ही ये कवर किया हुआ है, वही जो है वो मन है, जो कि हमारे दूषित संस्कारों से बना हुआ है, दूषित हमारे संस्कार है। संस्कार का मतलब छाप है। तो ये बहुत जन्मों के हमारे अंदर छाप है, ये दूषित कर्म हम लोग कर रहे हैं बहुत जन्मों के, तो वही जो है हमें ये गुणों में प्रवाहित कर रहा है।
तो आत्मा भी ये इतना इसको भ्रमित कर देता है, आत्मा को ऐसे कवर किया हुआ है कि आत्मा भी ये मान लेता है कि मैं मन हूँ। जैसे मुझे ये चादर उड़ाया जाए है, तो मैं क्या सोचूं कि मैं चादर हूँ, चादर उड़ाया गया है, लेकिन हम इसमें इतने रंजित हो गए, इसमें फंस गए कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ही चादर हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये मन है जड़, है जड़, और आत्मा से ही सारी चेतना ले रहा है, आत्मा की चेतना से ही चेतनी भूत हो रहा है। लेकिन ये क्या करता है, चेतना तो उससे लेता है लेकिन प्रस्ताव अपना रखता है, प्लान अपना रखता है, अपनी ही मनमानी करता, अपने मान अपनी ही जो इच्छा रखता है, तो उसी के अनुसार ये सारा ये खेल चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक धनी व्यक्ति है, तो उस धनी व्यक्ति के किसी बदमाश ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, तो अब उससे धन भी ले रहा है और अपना काम भी करा रहा है। तो चेतना किससे ले रहा है, आत्मा से ही ले रहा है और काम अपना करा रहा है जड़। अब उससे चेतना नहीं लेगा तो ये जड़ है, लेकिन ऐसे फंसा कर रखा है। तो ये जो है इस तरीके से मन फंसाया हुआ है। तो आप हम लोग जो है कई बार ये भजन गाते हैं जिसमें जो है गोविंददास कविराज ने गाया है, जो कि हम लोग भक्ति जो है हमेशा हम लोग गाते हैं कि भजो रे मन श्री नंद नंदन। तो मन को जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मन को दे रहे हैं ट्रेनिंग कि तुम क्या करो, नंद नंदन का भजन करो, भजो रे मन। मन को जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, है हमेशा जो है किसके किसके किस में रमा देना चाहिए, नंद नंदन के भजन में। भजन का मतलब होता है कि उसकी सेवा में, या भजदातु का मतलब होता है सेवा। तो मन को जो है उठते ही, सुबह उठते ही जो है इस तरीके से प्रणाम, भगवान का नाम बिल्कुल मुख से अलग नहीं होना चाहिए। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अपने कान को इतना भगवान के नामों से भर लो कि दूसरा कोई विषय इसमें प्रवेश ही ना हो। जैसे हमारे कई भक्त लोग हैं जो मैं देखा बाथरूम में भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कीर्तन लगा देते हैं या प्रवचन लगा देते हैं, वो सुनते ही रहते हैं कुछ कुछ, प्रभु जी हैं या प्रभु जी हमेशा गीता का पाठ करते रहते हैं। तो ये इस तरीके से भर रखा है, भर दो पूरा। आप में से कई लोग, सब लोग भक्त लोग हैं ऐसे, तो जो है ये भर दो कि मन को दूसरा विषय है वो आकर्षित न करना पाए। नहीं तो ये जो है मन, आप हमने चोला जरूर बदल लिया है लेकिन क्या करेगा, ये पूर्णतया ही संसार में ही रंजित रहता है, रमाए रहेगा पूरा। एक बार जो है एक कथा बता रहे थे महाराज रामायण से, राधा गोविंद महाराज कथा बता रहे थे कि कुछ साधु लोग जो है तपस्या कर रहे थे, यहाँ क्या नाम है उसका, जंगलों में तपस्या कर रहे थे। तो फिर मन जो है उनका लग नहीं रहा था, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई। हमारे इस्कॉन में भी ऐसा होता है ना, 40 के बाद ही शादी होती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है फिर मन, क्योंकि लगा नहीं, 10-15 साल तो खींच लेते हैं, धीरे धीरे जो है मन उबने लगता है। तो फिर क्या करते हैं बेचारे ब्रह्मचारी, दूसरा आश्रम जो 25 साल में जाना चाहिए था वो 45-40 साल में जाते हैं। तो इस तरीके से बेचारे वहाँ जंगल में भी बेचारे तपस्या, जंगल में बेचारे तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उनका मन नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने क्या करा कि सोच रहे थे कि कैसे जो है हम लोग विवाह करें, क्या करें, लेकिन अभी कौन लड़की देगा, बूढ़े भी हो चुके हैं, तो सोच रहे थे। तो फिर तब उनको मालूम पड़ा कि भगवान राम इधर आ रहे हैं, हाँ, हमारे ही इधर से लगेंगे, गुजरेंगे। तो उन्होंने बोला यहीं से लगेंगे,
तो बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने लगा वाह ये तो बड़ा अच्छी बात है, भगवान राम याद आ रहे हैं। भगवान राम ने पत्थर पे पांव रखा तो वो अहिल्या बन गई। हाँ तो हम लोग भी क्या करते हैं, पत्थर रखते हैं। सब लोगों ने बेचारे ने क्या करा, जिनका मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या करा, पत्थर अपने अपने आश्रम के आगे पत्थर रख दिए। और बड़े ताज्जुब की बात है, सबने गोरे गोरे पत्थर रखे एक ने भी काला पत्थर नहीं रखा और कुछ कुछ इतने उदार उदार व्यक्ति थे, उन्होंने दो दो रख दिए उन्होंने सोचा चलो मिल रहे हैं तो दो मिल जाए, अच्छी बात है क्या भर पड़ा था, भगवान को चरण ही तो रखना है, क्या भर पड़ा तो चलो दो मिल जाएंगे, अच्छा है। और कुछ कुछ इतने हेल्पफुल थे, इतनी सहायता कर रहे थे कि एक दूसरे की सहायता करते उठाने के लिए है। तो काफ़ी जो है जिनका मन नहीं लगता, सब लोगों ने क्या करा, पत्थर रख दिया अपने आश्रम के आगे। और भगवान राम जब आए तो सब प्रसन्न हो गए, भागे कि चलो हर हम रखवाएंगे, पहले हम रखवाएंगे, भागे सब लोग। लेकिन जैसे ही भगवान राम को दूर से उन्होंने देखा तो भगवान राम को देखते ही रह गए, देखते रह गए। फिर उनकी सारी इच्छा समाप्त हो गई पत्थर पर पांव रखाने की तो इस तरीके से जब ये जो यही मन जो है बंधु बन जाएगा, आगे के श्लोक में आएगा, जब यही मन जो है भगवान के विषयों में रमण करेगा, रंजित हो जाएगा, तब यही मन जो है हमारा बंधु बन जाएगा। कि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान से ही अगर आकर्षण हो जाए तो ऐसे ही भगवान राम से जो कौन थी वो जो राक्षसी थी असुर सूपनखा, सूपनखा जो है वो आकर्षित हो गई थी। लेकिन जो है लक्ष्मण ने उसे जब नाक कान काटे तो वो सबसे पहले किसके पास गई थी, वो दो सुबाहु मारिश और भी थे ना कुछ, खरदूषण, हाँ खरदूषण के पास गई तो खरदूषण से बोला कि देखो ये ऐसे ऐसे जो है मुझे उन्हें प्रताड़ित किया है, दो मनुष्य आए हुए हैं हमारे जंगलों में आए हुए हैं। तो खरदूषण तो बहुत दुष्ट हो गया, उन्होंने बोला चलो चलो चलो, पूरी सेना के साथ चले गए, वो सेना के साथ चले गए। और उन्होंने बोला कि उनके जो गण थे राक्षस वो बड़ा खुश हो गए, कह रहे बहुत दिनों से हमें जो है मनुष्य का ताज़ा खून मिला नहीं है, अरे बहुत अच्छी बात है, वो बड़ा उत्साही हो गए। सब लोग अपने अपने हथियार लेके चल दिए, हथियार लेके चल दिए, बस उन्होंने पहले प्राणी कर दी, देखते ही मार देना उसको, इतने बदमाश हैं बताओ। और वो सुपने का सारा उल्टा सीधा बोली कि मैंने तो बड़ी तारीफ़ की थी, आपकी तारीफ़ की थी, तो उन्होंने उनसे सहा नहीं गया, उसने मेरा नाक कान काट दिया, ऐसे रावण को भी बोली थी। तो फिर उन्होंने वो खरदूषण जो है पूरे प्लानिंग कर गए, देखते ही मार देंगे। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो भगवान ने देखा कि बड़ा कोलाहल मच रहा है, लगता कोई आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मण तुम सीता जी को लेके ना किनारे हो जाना है, मैं लोगों से निपटता हूँ। तो लक्ष्मण जो है वो सीता माता और लक्ष्मण दोनों ने साइड में छुप गए, और भगवान राम अकेले थे। तो उन्होंने देखा ओ भगवान राम को मारने के दौड़े, जैसे दौड़े तो खरदूषण ने बोला अरे रुक जाओ मत मारो मत मारो मत मारो। सब लोग रुक गए, क्या हुआ, कह रहे ये व्यक्ति बद के योग्य नहीं है, अरे कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर लड़का है, वो छोटा सा लड़का है, बहुत आकर्षित हो गए उससे। भगवान ने देखा अरे ये तो क्या हो गया, ये तो मुझसे आकर्षित हो गया कुछ करना पड़ेगा है? अगर ये मुझसे आकर्षित हो गया तो मैं तो असुरों का सनाह करने के लिए आया हूँ, ये अगर आकर्षित हो गया तो भक्त बन जाएगा मेरा, मैं तो असुर मारूंगा कैसे। तो भगवान राम ने बोला कि तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए तो हम लोग जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। बोला अरे बाप रे बाप, पहले तो उसने बोला था कि यार इसको तुम्हारा जो है वो कहाँ है, स्त्री कहाँ है, दूसरा लड़का कहाँ है वो बताओ। तो भगवान राम ने बोला कि भगवान राम ने तो जवाब नहीं दिया उसका, तो कहते हैं कि तुम इसको पकड़ लो और ले चलो तीनों को, उसको भी ढूंढो, इन तीनों को पकड़ के ले कर चलो। तो भाई राक्षस ने पूछा करेंगे क्या इसको पकड़ के, कह रहे इनको हम सब देखेंगे ये बहुत सुंदर है, हम सब देखेंगे, बंदी बना लो सब कुछ, लेकिन इसको हम देखेंगे।
हम मारेंगे नहीं इसको। तो भगवान राम ने देखा कि ये मुझसे आकर्षित हो गया है, फिर भगवान राम ने उल्टा मतलब इसको डांट लगाई, तो फिर जो है वो भगवान बोले कि अरे ये सिर्फ सुंदर मात्र है लेकिन विचार तो उसके बहुत दूषित हैं, ये तो वास्तव में बद के योगी है, इसको मारो, अब मारो उसको। तो इस तरीके से जो है फिर वो भगवान राम ने उनका वध किया। तो यही जो है 9:15 बज गए, यहाँ पर हम समाप्ति करते हैं। इस तरीके से जो है मन को जो हम कृष्ण में रमा देते हैं तो वास्तव में मन जो है वो हमें, यही हमारा मन जो है फिर बंधु बन जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ आगे आत्मा का मतलब है भंडार, वासनाओं का भंडार है। भंडार का मतलब है अनेक जन्मों की जो इच्छाएं हैं वो मन में भरी हुई हैं, तो ये जो है वासनात्मा। इसलिए जब कहा जाता है सर्वात्मस्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि श्री कृष्ण संकीर्तन संपूर्ण आत्मा का स्नान कराता है, तो यहाँ आत्मा का मतलब मन ही समझो, और मन में जितनी वासनाएं भरी हैं वो सब धुल जाती हैं कृष्ण के संकीर्तन से, तो संपूर्ण स्नान हो जाता है। तो मन अगर आप लगाते हैं संकीर्तन में तो उससे जो है पूरा स्नान हो जाता है। तो मन में जो है अनेक अनेक जन्मों की वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो पहला तो ये विशेषण है इसका। दूसरा विशेषण है विषयों पर रखतो, विषयों में अनुरक्त है। तो आपने अच्छी व्याख्या की है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, तो इनमें ही जो है अच्छा विषय सुनने का है, देखने का विषय है, तो इन सब चीज़ों में ये आसक्त है विषयों पर रखतो। इसके तीसरा है गुण प्रवाहो, गुणों के प्रवाह में बह जाता है, तो जिस प्रकार के गुण की जो है धारा होती है उसमें बह जाता है। तो गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, तो सत्वगुण में स्थित हो जाए तो सत्वगुण उसको ऊपर प्रवाहित कर देता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अगर रजगुण में स्थित हो जाए मन तो जीव जो है मध्य में अनेक जो है स्थितियाँ होती हैं मध्य की, तो उसमें वो बना रहता है। और जघन्य गुण वृत्तिष्ठा धो गच्छन्ति तामसा, और गुण का प्रवाह है जो तमोगुण का प्रवाह नीचे की ओर है, तो तमोगुण में अगर स्थित हो जाए तो अधो गच्छन्ति, तो अधागति प्राप्त करता है। तो ये मन ही जो है गुण के प्रवाह में चला जाता है, जिस गुण में स्थित हो जाए उसी गुण की दिशा में वो जो है बहने लगता है, गुण प्रवाह हो। तो 3 हो गया है। चौथा है विकृता, विकृता का मतलब परिवर्तनशील, तो इसमें बड़ी जल्दी परिवर्तन आता है। तो आपने अच्छी व्याख्या की कि मन जो है बड़ी जल्दी परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर ये अच्छा है फिर ये बुरा है, राग द्वेष इसमें बहुत भरा हुआ है, तो तुरंत जो है किसी चीज़ को अच्छा कहेगा फिर उसको तुरंत गलत कहेगा, विकृत है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां षोडश आत्मा, 16 आत्मा, तो आत्मा का मतलब रूप धारण करता है, 16 रूप धारण करता है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 महाभूत हैं, और 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और ये मन। तो मन जो है ये 16 का 16 कार्य, 16 के कार्यों को करता है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। स्वप्न की अवस्था में मन जो है ये सब कुछ बना लेता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ दिखाई पड़ता है, जबकि कुछ नहीं है, ये मन ही बना लेता है सब कुछ, है ना, मकान भी बना लेता है, घर और शहर, है ना, और गाड़ियाँ सब बना लेता है। तो पंच महाभूतों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सब मन बना लेता है, और ज्ञानेन्द्रियाँ भी सुप्त पड़ी हैं स्वप्न में, इन ज्ञानेन्द्रियों का भी कार्य करता है, सुनता भी है देखता भी है, और 5 कर्मेंद्रियाँ भी सुप्त पड़ी हैं, तो कर्मेंद्रियों का भी काम करता है, चलता भी है बोलता भी है, तो ये सब कार्य जो है मतलब मन करता है। तो 16 आत्मा का मतलब है कि 16 जो इंद्रियां हैं या 16 तत्व हैं उन सब का जो है ये रूप धारण कर लेता है 16 आत्मा, तो 5 हो गया। 6वां विवृत पृथक नामम भी रूप भेदम, तो पृथक नामों से अनेक प्रकार के रूपों को जो है धारण करता है, तो कोई भी शरीर धारण करता है तो उसका वो एक नाम हो जाता है, तो उससे उस नाम से वो जो है जाना जाता है। छिपकली का रूप धारण कर रही, छिपकली कहलाता है, छिपकली है। गाय का रूप धारण करता है तो गाय है,
तो गाय के नाम से जो है गाय का रूप धारण करता है, तो इस प्रकार से अनेक अनेक शरीर प्राप्त करता है, तो उनके नामों को ये धारण करता है, रूप भेदम पृथक नाम के द्वारा, अलग अलग नामों के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण करता है। अंतर्बहिष्टम च पुरेस्तनोति, और फिर अंतर्बहिष्टम का मतलब है उच्चता और निम्नता, जो शरीरों की उच्चता और निम्नता है, अच्छे शरीर हैं खराब शरीर हैं, तो उनमें जो है ये अपना विस्तार कर लेता है, जो भी शरीर उसको मिलता है, खराब शरीर मिलता है अच्छा शरीर मिलता है, जो भी गतियाँ मिलती हैं उनमें ही अपनी पहचान करता है, तो उसको कहते हैं तनोति, अपना विस्तार करता है, इसी रूप में विस्तार करता है। तो सात जो विशेषताएँ मन की बतला रहे हैं जड़ भरत, तो काफ़ी इसमें गहराई है श्लोक में। हरे कृष्ण। बस।